हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर सेट ऑफ वीडियोस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में भी हम जावास्क्रिप्ट के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, हम उसको किसी डॉक्यूमेंट में कहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं या फिर इस डॉक्यूमेंट में कहाँ पर उस कोड को हम लिख सकते हैं। अब जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको प्लेस करने के लिए तीन हमारे पास लोकेशंस है। सो क्वेश्चन इज वेयर टू प्लेस द जावास्क्रिप्ट कोड। सो यू कैन प्लेस अ जावास्क्रिप्ट कोड इन द हेड ऑफ ए वेब डॉक्यूमेंट, और यू कैन प्लेस द जावास्क्रिप्ट कोड इन द बॉडी ऑफ ए वेब डॉक्यूमेंट, और यू कैन प्लेस द जावास्क्रिप्ट कोड इन अ सेपरेट फाइल, और उस सेपरेट फाइल को अपने डॉक्यूमेंट के साथ आप अटैच कर सकते हैं। सो जनरली इन योर HTML डॉक्यूमेंट यू हैव टू मेजर सेक्शंस। नंबर वन इज द हेड सेक्शन एंड सेकेंड वन इज योर बॉडी सेक्शन। Okay, so then we have body section. Now this head section is basically containing the metadata about the HTML document. So you can place the JavaScript code in this head section and you can call the code inside the body section according to the requirement. In the same way, you can also place the JavaScript code in this body section and accordingly you can use the functions of or you can say the JavaScript functions that you have defined. Now again in this video also we are just checking where to place the JavaScript code. हम सिर्फ इसी चीज़ को चेक कर रहे हैं कि हम JavaScript code को कहाँ पर place कर सकते हैं। पहला example है कि जब भी आप JavaScript code लिखेंगे तो JavaScript code को हम script tag से start करेंगे। जैसे इस पूरे document में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक JavaScript का code लिखा है। इस पूरी line के अंदर you can see we have placed a JavaScript code. Now this JavaScript code is started with a script and ending with slash script. और ये जो कोड है इसके अंदर हमने बेसिकली लिखा है कि जहाँ पर भी हमारे पास ये पैराग्राफ है, दैट पैराग्राफ के अंदर जो भी कॉन्टेंट है, दैट कॉन्टेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाई माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट। सो अगेन इस फंक्शन से क्या हो रहा है, कैसे आप इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, वी डोंट नीड राइट नाउ। अभी उसको समझने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अभी हमें देखना है कि जब भी हम जावा स्क्रिप्ट कोड लिखेंगे तो उसको हम स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्ट टैग से और उसको एंड करेंगे हम स्लैश स्क्रिप्ट टैग के साथ। अब जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जो हमारे पास ओल्ड डॉक्यूमेंट थे वहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट की जगह पर स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से हम ओल्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टैंडर्ड्स आपको ये पूरा टेक्स्ट लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ स्क्रिप्ट लिखकर भी जावास्क्रिप्ट कोड को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि एक फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, जो जावास्क्रिप्ट कोड है हमने उसको हेड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट में लिखा है। देखो हेड सेक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ तक है, और जो बॉडी सेक्शन है HTML पेज का वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है। और उसी तरीके से ये डिफाइन कर रहा है कि आपका जो HTML है, HTML जो कंटेंट है, वो HTML कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होकर टिल यहाँ तक जा रहा है। अब आप चेक करोगे इन द हेड सेक्शन हमने एक स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग को एंड किया, तो ये बता रहा है कि हम लोग अपना जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई आपसे पूछे कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, सो बाय डिफ़ॉल्ट HTML के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट को एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ये पूछने के चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछे कि कौन सा हम HTML में हम कौन से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इज जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन को बनाया है और उस फंक्शन के अंदर हमने बोला है कि जहाँ पर भी हमारे पास एक कोई ऐसा टैग है HTML का जिसकी ID डेमो है, उस टैग के अंदर आप पैराग्राफ चेंज लिख दीजिए। जब बॉडी पर जाएंगे तो बॉडी पे हमने देखा कि पैराग्राफ एक टैग है, पैराग्राफ टैग की जो ID है वो हमने डेमो डिफाइन की है। तो जैसे ही ये बटन क्लिक होगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है और यहाँ पर एक बटन है, तो जैसे ही ये बटन क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हम कॉल इस फंक्शन को ट्रांसफ़र करेंगे और ये जो फंक्शन है इस पैराग्राफ के टैग के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा, जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको चेंज कर देगा इस टेक्स्ट के अंदर। तो एक तो इसके पहले वर्किंग समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास बॉडी सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमने लिखा है H1 हेडिंग, तो ये जो H1 हेडिंग है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। फिर हमारे पास पैराग्राफ टैग है जहाँ पर लिखा हुआ है हमने ए पैराग्राफ, तो जो ए पैराग्राफ है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर हमने एक बटन को क्रिएट किया है और ये जो बटन है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, और बटन का टेक्स्ट है ट्राई इट।
अब इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप इस ट्राई इट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने दिया है ऑन क्लिक ऑन दिस फंक्शन। जैसे आप इस फंक्शन को क्लिक करेंगे ये माई फंक्शन जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ये कॉल हो जाएगा। और ये जो माई फंक्शन कॉल है, ये माई फंक्शन कॉल जो है वो इस अब ए पैराग्राफ को चेंज करके यहाँ पर लिख देगा पैराग्राफ चेंज। तो इसी वजह से ये जो टेक्स्ट है आपके पास ये टेक्स्ट चेंज कर होके हो जाएगा हमारे पास पैराग्राफ चेंज्ड। तो यहाँ से बेसिकली हमने जो कोड है जावास्क्रिप्ट का वो हेड के अंदर रखा और हेड के अंदर हमने उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन किया। लेकिन जब भी हम उस इसको यूज़ कर रहे हैं, देखो हम फंक्शनैलिटी कैसे डिफाइन की, हमने किसी टैग को आईडी प्रोवाइड किया, उसके आईडी के अकॉर्डिंग हमने फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड किया। अब जैसे ही हम बटन क्लिक करेंगे तो बटन क्लिक पे हमने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल किया और ये फंक्शन ने अपना काम कर दिया। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो हेड के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एग्जांपल सिर्फ इतना ही बताना चाहता है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम हेड के अंदर लिख सकते हैं किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। अगर आपको इतना समझ आता है देन दैट इज़ मोर देन अनफ। अब दूसरी तरीके से उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको हम बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारे पास एक एचटीएमएल है और HTML के अंदर सिर्फ हमारे पास एक बॉडी सेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी हेड सेक्शन नहीं है। हमने पहले एक H1 हेडिंग बनाई, उसके बाद हमने एक पैराग्राफ बनाया और पैराग्राफ की ID दी हमने डेमो, और फिर हमने एक बटन बनाया और बटन जो है ऑन क्लिक ऑन दिस बटन हम लोग माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ये माई फंक्शन मिलेगा कहाँ, वो हमें यहाँ पर मिलेगा जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड बॉडी सेक्शन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही माई फंक्शन कॉल होगा, इसकी कॉल होते ही इस पैराग्राफ के अंदर ये जो टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा पैराग्राफ चेंज्ड। इसकी वर्किंग हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक मैपिंग कर लेते हैं हर एक चीज़ की। H1 हेडिंग जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर आपके पास जो पैराग्राफ टैग है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर आपके पास जो बटन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस बटन के अंदर जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये फंक्शन कॉल होगा विच इज़ माई फंक्शन। तो कंट्रोल माई फंक्शन के पास जाएगा। अब माई फंक्शन इस पैराग्राफ की आईडी डेमो है, तो इस पैराग्राफ को लेगा और उस पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देगा पैराग्राफ चेंज्ड। तो ये जो कंटेंट है ये कंटेंट चेंज होकर हमारे पास एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ चेंज्ड की तरीके से शो होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी केस था। अब उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का जो कोड है आप उसको एक सेपरेट एक्सटर्नल फाइल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखो दो चीज़ें हैं, तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है या तो आप उस जावास्क्रिप्ट को कोड को सेम डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड करो। अगर आप सेम डॉक्यूमेंट में एम्बेड करोगे तो फर्दर आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप उस कोड को हेड सेक्शन में रख सकते हैं या फिर आप उस कोड को बॉडी सेक्शन के अंदर रख सकते हैं। दूसरा है कि आप जावास्क्रिप्ट को एक सेपरेट फाइल के अंदर लिखें। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है और हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट होगा जिसकी एक्सटेंशन होगी .js, जैसे xyz.js। ये जो .js है ये हमारे सभी जावास्क्रिप्ट के कोड को कंटेन करेगा और इस फाइल को हम लोग एज ए सोर्स यूज़ करेंगे इस HTML डॉक्यूमेंट में। अब जैसे ही हमने यहाँ पर किसी फंक्शन को कॉल किया, यानी फंक्शन कॉलिंग करी, तो फंक्शन जो है वो इस जावास्क्रिप्ट के .js कोड पर जाएगा और फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा जो भी फंक्शनैलिटी हमारे पास गिवन है। अब ये जो .js फाइल का कोड है वो हमने यहाँ पर गिवन है। इस .js फाइल के अंदर हमने चेक किया है कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में जो भी एलिमेंट होगा जिसकी आईडी डेमो है, उस एलिमेंट के अंदर जो भी कॉन्टेंट लिखा है उसको चेंज कर दीजिए पैराग्राफ चेंज्ड के अंदर। ठीक है, सो अब इसका बेनिफिट ये है कि हमें हर एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट रैदर हम सिर्फ एक ही फाइल बनाएंगे और इस फाइल को कितने भी आपके HTML डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट 1 है या आपका डॉक्यूमेंट 2 है, कितने भी आपके HTML पेजेस हैं, सभी के अंदर सिर्फ एक ही जावास्क्रिप्ट को फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बार बार हर जगह पर अलग अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सेम कोड कैन बी यूज एनीवेयर, और इस फाइल की जो एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट फाइल की वो होगी .js, और यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमने .js एक्सटेंशन बताया कि स्पेसिफिकली एक जावास्क्रिप्ट कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बिकॉज इस फाइल के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस HTML डॉक्यूमेंट में बताने की कोशिश करेंगे कि स्क्रिप्ट का जो सोर्स है वो क्या होगा। मैं इसको एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाता हूँ यहाँ पर, एक एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट लिया, उस HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट हो रही है। उस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर H2 हेडिंग है और ये जो H2 हेडिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट।
फिर हमने एक पैराग्राफ लिया, वो पैराग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने एक बटन लिया, वो बटन अब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर हमने एक और पैराग्राफ लिया, वो पैराग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमने बोला स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस। तो माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस हमने एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाया। माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस एक जावा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारी जावा स्क्रिप्ट प्लेस्ड है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट कोड है वो सभी यहाँ पर लिखे होंगे, जो भी फंक्शन डिक्लेरेशंस हैं वो सभी यहाँ पर लिखे होंगे। अब जैसे ही हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे, यानी कि ऑन क्लिक ऑफ दिस फंक्शन, इस बटन, जैसे ही बटन को हम क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन मिलेगा कहाँ पर, हमारे पास माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस फाइल के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो जो भी इस फंक्शन के अंदर फंक्शनैलिटी डिफाइंड है, उस फंक्शनैलिटी को हम कॉल करेंगे और वो इसके कंटेंट को चेंज करके कर देगा पैराग्राफ चेंज्ड। सो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको अलग अलग डॉक्यूमेंट में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको आप हेड और बॉडी सेक्शन के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो रेफरेंस है, जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस। तो ये बेसिकली एक रेफरेंस है। अब ये जो रेफरेंस है आप इसको एब्सोल्यूट यूआरएल दे सकते हो या फिर आप इसको रिलेटिव यूआरएल दे सकते हो, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। तो दोनों का मतलब डिफरेंस क्या होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच में, एक बार वो डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। अब जैसे कि देखो, पहले तो ये समझो कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को एम्बेड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फाइल को आप एम्बेड करोगे, एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में आप एक से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हो, यानी कि उनको एम्बेड कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जो हमारे पास यूआरएल है आप उसको कंप्लीट फुल यूआरएल दे सकते हो या फिर उसका एक रिलेटिव पाथ दे सकते हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये पहला कोड है, इस कोड के अंदर हमने जो स्क्रिप्ट का एड्रेस दिया है, ये पूरा एड्रेस एक एब्सोल्यूट एड्रेस है, यानी कि एक्चुअल में ये स्क्रिप्ट कहाँ पर स्टोर्ड है। बिकॉज ये कोड जो है मैंने w3schools.com से लिया है, तो एक्चुअल में कोड कहाँ पर स्टोर है, हम जो जावास्क्रिप्ट कहाँ पर स्टोर है, हम उसका एब्सोल्यूट एक्चुअल यूआरएल देंगे, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। उसी तरीके से हम यहाँ पर एक रिलेटिव एड्रेस भी दे सकते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या है, एज्यूम ये आपका एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर आपके पास ये आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है और इसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ आपका ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो यहाँ पर जो भी इसका कोड होगा, जैसे .xyz.js ये आपका कोड है, अगर ये दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर है तो हम इस पूरे एड्रेस को चेंज करके सिर्फ यहाँ पर लिख सकते थे xyz.js। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता कि ये आपके पास एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर आपके पास एक और फोल्डर बना है और उस फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड है, यानी कि हमारे पास एक लेवल हो गया, तो हमें उस लेवल तक जाना पड़ेगा और उसका एक रिलेटिव एड्रेसेस हमें देने होंगे। एग्जांपल यहाँ पर चेक कर सकते हो, इस केस में हमारे पास एज्यूम ये एक फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। अब इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर हमने यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड किया है और यहाँ पर जो एड्रेस दिया है वो दिया है /js/myscript। अब /js का मतलब है कि हमारे पास एक और फोल्डर होगा js नाम से और इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है js नाम से और उस फोल्डर के अंदर एक हमारे पास फाइल है और इस फाइल का नाम है myscript.js। तो बेसिकली हमने एक रिलेटिव एड्रेस दिया है कि इस फाइल के अकॉर्डिंग इस फाइल के रिलेटिव लोकेशन क्या है। तो उसी तरीके से आप जावास्क्रिप्ट की फाइल का जो सेपरेट आपने फाइल यूज़ की है उसका जो सोर्स है, यानी कि फाइल कहाँ पर स्टोर है, उसको आप रिलेटिव एड्रेसेस भी दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि ये दोनों, अगर दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर में स्टोर है तो ये भी एक रिलेटिव एड्रेस है। तो इसी तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको आप अगेन सेम डॉक्यूमेंट में आप स्टोर कर सकते हो, उसको आप अलग डिफरेंट डॉक्यूमेंट में स्टोर कर सकते हो, डिफरेंट डॉक्यूमेंट में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन दे सकते हो जिसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पोजीशन, इंटरनेट में कहाँ पर उसकी एब्सोल्यूट पोजीशन होगी, या फिर उसकी एक रिलेटिव पोजीशन दे सकते हो कि करंट जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उसका लोकेशन कहाँ पर होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें यही समझना था कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ पर लिख सकते हैं और किस तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है। अब थोड़ा सा अब हम जावास्क्रिप्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखेंगे, उसका सिंटैक्स क्या होता है, वो सब चीज़ें अब हम स्टार्ट करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स।